मौजूद हूँ नलरेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। ये वही मंदिर है जहाँ पर आपने देखा कि कैसे जब हिंसा हुई तो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो फंस गए थे और यहीं पर पनाह उन्होंने घंटों तक ली रखी थी और उसके बाद यहाँ से प्रशासन ने सुरक्षित उन्हें रेस्क्यू किया था। तो नलरेश्वर महादेव मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है, कहते हैं कि स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर है और ऐसे में यहाँ हर साल जो कलश यात्रा निकाली जाती है उसमें ना सिर्फ हरियाणा के बल्कि दूर दूर से देश के अलग अलग राज्यों से भी जो श्रद्धालु हैं वो कलश लेकर के यहाँ पर आते हैं और कलश यात्रा में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। ये प्रांगण बहुत बड़ा है और यही वजह रही कि हजारों लोग यहाँ पर शरण उस दिन ले पाए जब हिंसा के हालात थे ऊपर पहाड़ियों से, क्योंकि बताया जा रहा है पहाड़ियां हैं इसके चारों तरफ, वहां से लगातार पत्थरबाजी और फायरिंग हो रही थी और उस वक्त जो महिलाएं थी खासतौर पर वो यहाँ पर किसी तरीके से खुद को बचा पा रही थी और इसी प्रार्थना में वो भगवान शंकर के साथ यहाँ पूजा कर रही थी कि उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर किसी तरीके से निकाल दिया जाए। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं दीपक शर्मा जी वो भी हैं। दीपक शर्मा जी जरा बताइए कि उस दिन किस तरीके का माहौल था, क्योंकि नलरेश्वर महादेव मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं खासतौर पर कलश यात्रा के दिन। जी देखिए माहौल सुबह के समय तो ठीक ही था, चलना है माहौल सुबह के समय तो ठीक ही था और दोपहर तक भी ठीक ही था, लेकिन एकदम स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ी। अब फिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जी, ऐसा कुछ नहीं था लेकिन यहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद कुछ ऐसा है कि जो श्रद्धालु जन जा रहे थे वापसी के लिए तो उन्हें रोक दिया गया, स्थिति खराब होने लगी, कोई गोलीबारी पथराव वगैरह होने लग गया। मंदिर का कोई कोना खाली नहीं था, जहाँ तक कि अपनी गद्दी पे बैठने का भी वो जगह नहीं मिली। तकरीबन सारी मंदिर के अंदर परिसर जब तक ये स्थिति गंभीर रही अंदर पूजा चलती रही शिव जी। अच्छा, जब तक यहाँ बाहर में स्थिति गंभीर रही अंदर पूजा चलती रही, मतलब प्रार्थनाएं चल रही थी यहाँ पर, जिस तरह से दीपक शर्मा जी बता रहे हैं कि बाहर भीड़ थी, आपाधापी का माहौल था और इस प्रांगण के बाहर उपद्रव था, लेकिन यहाँ गर्भगृह में पूजा अर्चना हो रही थी। जी हाँ जी, जैसे माहौल बिगड़ गया था तो बाहर थोड़ा सा फायरिंग वगैरह हो रही थी तो लोग थोड़ा सहम हुए तो थे ही, तो इस वजह से अब यही था कई लोग अंदर बैठे तो वो पूजा अर्चना करवा रहे थे ताकि यहाँ की स्थिति बनी रहे, परेशानी ना बने। जितनी देर बाहर उपद्रव चल रही थी यहाँ अंदर पूजा चल रही थी और लोग इसी कोशिश में थे कि जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू किया जा सके और काफी घंटों की जद्दोजहद के बाद महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, या वो यहां से सुरक्षित बाहर निकल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यू टाइम्स नाउ, नव भारत। बड़ी बात यह है कि हिंसा की आंख तो गुरुग्राम तक पहुंच गई। दंगाइयों ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में रजाई गद्दे की दुकान में आग लगा दी। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा की बेहद खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में भी एक रजाई गद्दे की ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दुकान थी जिसमें आग लगा दी गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस दुकान को आग के हवाले कर दिया गया था। फिलहाल जो है इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा रजाई गद्दे की दुकान थी वो जलकर खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कल कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने इस दुकान को आग के हवाले कर दिया। जाहिर तौर पर जिस तरीके से नूह में हिंसा हुई उसके बाद उसकी चिंगारी जो है वो सोहना होते हुए गुरुग्राम तक पहुंची थी और अब जिस तरीके से गुरुग्राम के कुछ इलाकों में, चाहे बादशाहपुर की हम बात करें, वहाँ भी हमने देखा कि कल कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई। ये सेक्टर 67 का इलाका है। क्या हुआ था कल? कल बाबूजी मैं तो 3 बजे दुकान बंद कर दिया मैंने और मैं अंदर पहुँच गया। 10-12 आदमी आते दिखाई दिए इधर से, जिन पर बोतलें भी थी, तेल डाला, आग लगा दिया हो और मैंने तो आते भागते दौड़ते दिखाई दिए। सब लोगों ने देखे, मैंने क्या देखे, मैं तो अंदर ही था। अच्छा, हाँ जी। तो आप और क्या पत्थर उत्थर भी फेंके थे कि सिर्फ आग लगा के चले? हाँ, वो मार पीट करके जो उनके हाथ लगा, ये नारियल वाला रहता है, इसने दुकान इतने बंद ना करी, इसे भी मारपीट करी, वो पुलिस वालों ने भेजा इसको बचा के। अच्छा, पुलिस की टीम आ गई थी? हाँ, पुलिस एक दो जना अगस्त वाले थे तो उन्होंने इसको भजा दिया। ये भी अपनी दुकान बंद नहीं कर सका था, मैं तो दुकान बंद करके अंदर पहुंच गया बाबूजी। अच्छा, क्या दुकान बंद करने के लिए बोल रहे थे क्या? नहीं, दुकान बंद करना वो नहीं बोल रहे, हमारे जो किराया लेते हैं उन्होंने कहा था कि तू यहाँ से दुकान बंद करके निकल जा, चाबी ले जा, मेरे प्लॉट पर चला जा, समझ गए? ठीक।
तो ये थे दुकान के मालिक, जिनका ये कहना है कि कल कुछ लोग जो है यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इनकी दुकान को आग के हवाले कर दिया। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, गुरुग्राम। अब नू में हुई हिंसा के दौरान साइबर पुलिस स्टेशन को निशाना क्यों बना दिया गया, इसको लेकर पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। जिन दंगाइयों ने हमला किया था उनके चेहरे सामने आए हैं। खबर यह भी है कि साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाई और शायद इसी का बदला लेने के लिए थाने को जला दिया गया। हमारे सहयोगी मोहित ओम की इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार को मेवात में हुई हिंसा नू साइबर थाने तक कैसे पहुंची, एक बड़ा सवाल है। पुलिस सूत्रों की माने तो जांच में सामने आया कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्होंने साइबर थाने पर अटैक किया था। उन चेहरों को नू पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने अप्रैल के महीने में साइबर हैकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और वो चेहरे जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुए हैं, जो मोबाइल फुटेज आई है उसके अंदर कैद हुए हैं। और उन वो जो चेहरे थे वो यहाँ पर एक बस को लेकर आए और इन्होंने सीधा पहले थाने की इस दीवार को गिराया। यहाँ से उन्होंने पहले थाने के फ्रंट साइड पर अटैक करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर दीवार को नहीं गिरा पाए क्योंकि बस वहाँ सीधी नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर बस को गिराया। जो अंदर गाड़ियां थी, जो थाने के अंदर गाड़ियां खड़ी थी उनमें जमकर तोड़फोड़ की। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पे कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें कांच बिखरे पड़े हैं, कुछ गाड़ियों को यहां से हटाया गया है। थाने के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें आग लगा दी गई। जो यहां पे गैजेट्स थे, यहां पे जो साइबर टीम बैठती थी उनके जो गैजेट्स थे उसमें तोड़फोड़ की गई, उनको लूटने की कोशिश की गई। अब अभी आप अभी भी देख सकते हैं एक लैपटॉप जो है वो गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। दरअसल अप्रैल के महीने में एक साइबर अपराध को लेकर नूह में एक बड़ी रेड की गई थी जिसमें करीब 125 साइबर हैकर्स को पकड़ा गया था, क्योंकि जो नू है उसमें लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि दूसरा जामताड़ा बनता जा रहा है और यहाँ पे साइबर हैकिंग का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देश पर हरियाणा पुलिस ने एक बड़ी टीम बनाकर, करीब 3000 पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर 14 जगहों पर, 14 गांव जो है नू के आसपास वहां पर रेड की थी, जिसमें 300 लोगों को 300 जगहों पर रेड की गई थी और उसमें से 125 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास, गिरफ्तारी के पास से काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले थे जिसमें लैपटॉप, मोबाइल स्वैपिंग, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड जो स्वैप मशीन होती हैं वो मिली थी, आधार कार्ड मिले थे। इससे कहीं ना कहीं साइबर हैकर्स के ऊपर जो उनकी जो लगातार एक बड़ी मुहिम मना रहे थे साइबर हैकिंग की नू के अंदर, उसमें एक बड़ी चोट लगी थी, उनकी कमर टूटी थी। ये जो जगह है इसमें उन जो हमलावर थे उन्होंने इस कमरे में घुसने की कोशिश की थी, हालांकि यहाँ जो मौजूदा स्टाफ था उन्होंने किसी तरीके उनको यहाँ पर रोका, क्योंकि ये वो जगह है यहाँ पर साइबर हैकर्स का सारा डाटा इस नू डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे मौजूद है। ये रिपोर्टिंग रूम है और यहाँ पे अंदर पूरा डाटा है, एज अचौक ऑफिस है। इस जगह पे रोकने की स्टाफ ने कोशिश की, अंदर से बंद कर दिया, इतने में पुलिस बल आया तो यहाँ पे जो अटैकर्स थे वो यहाँ से फरार हो गए।